अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा वेडनेसडे का व्लॉग। बस मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी तो मैं चलो कुछ खा पी लेती हूँ, उसके बाद मैंने अपना केक वगैरह बनाने थे। तो मैंने यही सोचा हुआ है कि मैं अब डेली रूटीन में जो है अपना केक्स को ऐड करूँगी, डेली कुछ ना कुछ मैं बनाऊँगी। बस यहाँ पे मैंने कहा मैं दूध पी लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे तो मैं काफ़ी दिल चला था तो मैंने इसे पिया। ये काफ़ी गर्म था तो मैंने इसको रख दिया। फिर मैं साथ ही यहाँ पर अपना सामान निकाल रही थी केक्स का, तो मैंने अपने अंडे निकाल के रखे बाहर, रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। साथ ही मैंने अपने जो है बंटू मोल्ड होते हैं इनके अंदर जो है ऐड कर दिया, करना था अपना बैटर, तो मैंने इनको अच्छे से ग्रीस कर लिया था। वॉइस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और आजकल मेरी वीडियोज़ जो हैं वो भी अपलोड बहुत लेट होती हैं क्योंकि नेट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, क्योंकि मेरा छोटा मोबाइल जो होता है उसे नेट मेरा मुझे मिल जाता है इजीली, हमारे घर में सिग्नल नहीं आते, तो इसीलिए जो है बहुत मुश्किल से रात में जो है ना मैं अपनी वीडियोस मुश्किल से अपलोड करती हूँ तो जाके अपलोड होती है। तो बस मैं अपना यहाँ दूध पीने लगी थी और मैं जो है थोड़ी बहुत रेसिपीज लिख रही थी। मैंने अपना एक केक रेडी किया वनीला का और इसको मैंने बेकन रखा, तो बस ये बेक हुआ तब तक फिर मैं ना अपना ये दूध यूज़ करते हैं इसमें स्प्रेड करने के लिए। शुगर वाटर भी यूज़ किया जाता है लेकिन मैं जो है वो दूध यूज़ करती हूँ, मैं इसमें शुगर ऐड नहीं करती, मैं इसको नॉर्मली रखती हूँ क्योंकि वैसे भी ये जो है अपनी क्रीम इतनी स्वीट होती है और केक भी स्वीट होता है तो फिर मुझे अजीब लगता है ज़्यादा। तो मैंने इसको बॉटल में भर के ऊपर से मैंने इसमें ना छोटा सा खड्डा कर लिया ताकि आराम से ईजिली यूज़ हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्रीम बीट करने बैठी थी, मैंने कहा मैं इसको बीट करूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बैठकर काम करूँ। सुबह का टाइम इसलिए मैंने चॉइस किया हुआ है ताकि मैं इजीली काम कर सकूँ, वरना मैं सारा के साथ ज़्यादा काम बैठकर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। फिर जो भी क्रीम होती है फ्रॉस्टिंग होती है, मैं जो भी बनाती हूँ चॉकलेट की, वो आ जाती है, बोलती हूँ बस मुझे दे दो। वॉइस ओवर करना भी इतना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए आजकल, क्योंकि रात में मुझे जल्दी नींद आ रही होती है, मैं सारा कुछ लगा के फौरन ही सो जाती हूँ। तो बस ये है कि मुझे दिन में करनी पड़ती है या पर जो है रात में ही इसके सोने के पहले इसके साथ ही करनी पड़ती है। तो बस ये वाला स्पंज जो है मैंने पहले बना के रखा था जब कपकेक्स बनाए थे, तब भी मैंने ये स्पंज भी बनाया था, तो इसको मैंने साथ स्कॉफ्ट करके इसको भी मैंने अपना कर लिया था, फुल चॉकलेट ही बनाया था मैंने। तो बस ये ना डेली बनाने से ये हो रहा है कि मेरी जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ रही है और जो है फिनिशिंग भी आते आते आ रही है। ये काम जो है आपके शौक पे और जो है ना खुद की एक प्रैक्टिस पे है डिपेंड, कि आपको अगर स्पंज बिल्कुल परफेक्ट बनाना आता है उसके बाद आप जो है ना अपनी डेली बेसिस में प्रैक्टिस करो तो ये ईजी हो जाता है। फिर मैंने ये सोचा था कि मैं इसको है ना दो मोल्ड में मैंने बनाया था, थोड़ा छोटा और एक बड़ा, मैंने सोचा था इसके दो बनाऊंगी, लेकिन ये जो है ना कुछ ज़्यादा ही छोटे छोटे से थे तो फिर मैंने इसको इनको है ना एक ही कर लिया था। तो ये कि मैंने इसको बस है ना करके क्रीम थोड़ी ज़्यादा इस पर यूज़ हुई, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं इसका, मैंने सोचा था कि मैं बंटू केक बनाऊंगी तो मैंने इसका बंटू केक ही बनाया था। बस फिर मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था, फिर मेरा किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, मैंने इसको साफ़ किया, सारा उठ गई थी और है ना इसको नाश्ता बना के देना था और साथ ही मैंने अपने लोबी जो है बॉईल करने थे। तो बस हमने जो है अपना नाश्ता किया हम दोनों ने थोड़ा बहुत, और जो है फिर मैं अपने वापस केक पे लग गई थी, इनको मैंने डेकोरेट करके रखा और जो है इसकी साइडों की बस मैं कंप्लीट कर रही थी, थोड़ी क्रीम बची थी तो बस भी छोटे वाले पे जो है ना मैंने इतना प्यारा इसको डेकोरेट किया था, इसको जो है ना इसके हार्ट्स बनाए थे और इसके जो ऊपर नाम है इतना प्यारा मेरा जो लिखी दिया था, लेकिन जो है सारा ने ना ये फ्रिज खोलती और है ना ये क्रीम को है ना चाटने बैठ जाती है, तो इसने सारी मेरी जो डेकोरेशन थी ना वो सब ख़राब कर दी। तो मैंने अब बस यही सोचा हुआ कि मैं केक को बनाऊँगी और फ़ौरन से उसकी पिक्चर्स और वीडियोज़ ले लूँगी ताकि जो है ना बाद में ख़राब ना हो। तो ये शाम का टाइम था, मेरे पास रखी हुई थी पास्ता, तो मैंने कहा चलो मैं इसी बनाऊंगी वाइट सॉस पास्ता। तो बस मैं यहाँ पे बना रही थी, मैंने काफ़ी चीज़ में बस ऐसे ऐड कर दी थी और एक चीज़ स्लाइस भी था तो मैंने कहा चलो मैं वो भी ऐड करूँगी। तो बस मेरा जो है ना क्रीम भी वो रखी हुई थी, मैंने कहा ख़राब हो जाएगी तो मैंने कहा इसको भी यूज़ कर लेते हैं, तो मैंने बस जल्दी जल्दी बनाया। फिर मुझे याद आया मैंने कहा यार मैं सारा के लिए स्पेगेटी भी बॉइल कर दूँ क्योंकि है ना ये पास्ता जो है ना एक दो दिन रखी हुई थी तो मैं इसको रखी हुई चीज़ें ज़्यादा खिलाती नहीं हूँ क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का पेट थोड़ा नाजुक ही होता है, तो ये कि वैसे तो उसका पेट नहीं होता डिस्टर्ब लेकिन फिर भी जो है बच्चों को थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। छान छानते मैंने अपने हाथ पे गर्म पानी गिरा लिया था, फिर खैर हम दोनों ने बस खाया पिया और जो मैंने अपने केक दिखाए, मौसम इतना अच्छा हो गया था बारिश वाला तो इतने प्यारे मेरे केक्स भी लग रहे थे, तो बस ये थोड़ी देर में बाद ही ना बारिश होने लग गई थी। फिर बस मेरे दोनों केक रेडी थे, फिर मैंने जो है ना अपना किचन भी थोड़ा सा समेटना था, तो बस मैंने फिर किचन को थोड़ा सा सेट किया। किचन का हाल जो है बार बार बुरा ही हो जाता है क्योंकि मैंने बर्तन ना वॉश करूँ ना फिर ज़्यादा ही ख़राब हो जाता, तो बस फिर इतना प्यारा मौसम हो रहा था और ये कि थोड़ी देर बाद ही फिर बारिश होने लग गई थी। यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हुई थी, फिर हल्की हो गई थी लेकिन बहुत अच्छी बारिश हुई थी।
बस फिर हमारा रात का खाना यही था, इन्होंने अपने लिपोटे बनाए थे चिकन के और मैंने जो है ना दाल और सब्जी रखी थी वो खा ली थी। तो बस आज का मेरा व्लॉग था यही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।